गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स, मैं राकेश आपका दोस्त RSE फन ब्लॉक से। दोस्तों आज है 4 मार्च अपना भाई का बर्थडे रहता है। आज है मेरा बर्थडे। कितने साल का हो गया ये नहीं बताऊंगा, लेकिन है अपना आज दोस्तों बर्थडे है। और बर्थडे स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूँ अभी अपनी बाइक सर्विसिंग के लिए। अपनी बाइक को भी दोस्तों हो गया 1 साल। पिछले साल थोड़ा बर्थडे से पहले ही लिया था बाइक को मैंने, अभी 1 साल हो गया। तो मेरा थर्ड सर्विसिंग है अभी बाइक का। आज का मैंने बुक किया है क्योंकि आज मुझे वैसे भी ऑफिस से छुट्टी है। मैंने सोचा चलो आज छुट्टी भी है, बर्थडे भी है, ये अपनी सर्विसिंग भी करवा लेते हैं। बाइक ज़रा सर्विसिंग करेंगे तो और मज़ा आएगा चलाने में। वैसे 1 साल का बाइक का परफॉर्मेंस पता है तो बाइक ने अपने को बहुत साथ दिया दोस्तों। मैं ऑफिस में जिस रूट पे जाता हूँ उस रूट पे कार लेके जाता हूँ, तो घर पे पहुँचने के लिए मेरे को ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग जाते हैं, जबकि सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है। और बाइक से एज यूजल मैं 15 मिनट में आ जाता हूँ, तो इसलिए बाइक से जाना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो अपनी बाइक ने मुझे बहुत साथ दिया दोस्तों। बाइक जो अपनी है वो भागने में जो मज़ा आता है ना भगाने में दोस्तों, अमेजिंग बाइक है सच में। देखो अभी मैं 100 के स्पीड पर चल रहा हूँ, कुछ लग भी नहीं रहा है, एकदम आराम से चल रहा हूँ। आपसे दोस्तों बातें भी कर रहा हूँ, कोई नहीं, कुछ टेंशन नहीं लग रहा है मुझे। अभी इतने बड़े बड़े कंटेनर वाले देखो साइड से जा रहा है, लेकिन डर नहीं लग रहा है क्योंकि बाइक अपनी हेवी होने की वजह से इतना कुछ टेंशन नहीं लगता। सबसे बढ़िया खुशखबर तो हमको मिली है, अभी रॉयल एनफील्ड ने नई नई खबर दी है जो अभी अपनी बाइक में आने वाले अलॉयज। हाँ पहले चलो जो नई गाड़ी आएगी उसमें अलॉय लग के आएगा, बाद में जो एडिशनल मिलेगा वो और मिलेगा, लेकिन खुशखबरी तो है ना, मिलने वाला तो है वह। अलॉय लगने के बाद सबसे बड़ा टेंशन ये ख़त्म हो जाएगा कि अपने को ट्यूबलेस टायर होने की वजह से टायर पंचर का इश्यू नहीं रहेगा। देखिए टायर आप कितना भी अच्छा लगाओ, लेकिन विद ट्यूब रहेगा तो डर तो लगता ही है, क्योंकि इतनी मोटी बाइक को अगर आपको धक्का मारना पड़े कहीं रास्ते में, अगर बाइक पंचर हो जाए तो प्रॉब्लम है ना। इसलिए ट्यूबलेस वाला जो ऑप्शन दे रहा है लोग सच में बहुत अच्छा है। अभी हम दोस्तों है JNPT हाईवे पे, यहाँ से मैं जा रहा हूँ नेरुल, नवी मुंबई में जो नेरुल है वहाँ पे मेरा वो जो सर्विस सेंटर और रॉयल एनफील्ड का जो शोरूम है मैंने पिछली बार बताया था राम मोटरसाइकिल्स, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ सर्विसिंग के लिए। देखते हैं आज सर्विसिंग में क्या क्या करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं कि मुझे ये चीज़ें करवानी है। जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अपनी बाइक का वॉबलिंग का रहता है, वॉबलिंग का इशू भी मैं बताऊँगा उनको। और एक दो चीज़ें मैंने रखी है, जैसे ये मिरर साले कोई ना बिल्डिंग में या कहीं हिला देता है, तो मैं बहुत बार सेट करने की कोशिश की लेकिन प्रॉपर सेट नहीं हो पा रहा है वो, तो एक बार उनसे सेट करवा के लेता हूँ शोरूम वालों से, शोरूम मतलब सर्विस सेंटर वालों से, वो अगर प्रॉपरली करके दे तो बेटर हो जाएगा। मेरा प्लान है दोस्तों थोड़ा हैंडल बार राइजर मैं लगा के लेता हूँ, देखता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है जब बाइक चलाता हूँ थोड़ा पोस्चर मेरा नीचे है ना, तो इसकी वजह से शायद मेरे हाथ पे थोड़ा प्रेशर आता है। तो प्लान मेरा ये है कि देखता हूँ, अगर सर्विस सेंटर में तो मुझे डाउट है मिलेगा हैंडल बार जो राइजर है वो ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा शायद। हैंडल बार राइजर लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं राइड करके कैसा लगता है। हाँ मुझे और एक काम ये याद आया
बाइक का इसका शॉक ऑब्जर का अपना सेटिंग थोड़ा उनको देखना पड़ेगा, उनको चेक करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हार्ड आ रहा है। बोलता भाई चेक करो। और ये अभी लेफ्ट में जाऊँगा तो यहाँ पे है अपना ये सामने शोरूम है, और उसी के बगल में सर्विस सेंटर भी। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े शोरूम्स है भाई, बाइक के, कार के, हर चीज़ के। फ्रेंड्स, जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया मैं बाइक सर्विसिंग के लिए आया हूँ, तो अभी बाइक सर्विस हो गई है, अभी वॉशिंग चल रहा है, डीजल वॉश चल रहा है, उसके बाद फिर वो प्रॉपर साफ करके देगा अपने को। कितना खर्चा आया, क्या क्या किया, ये कुछ देर में आपको बताता हूँ मैं। तो अपनी सर्विस हो गई है, 4,200 रुपये खर्चा आया थर्ड सर्विसिंग का। ज़्यादा काम कुछ नहीं था, इंजन ऑयल चेंज हुआ, फिल्टर दोनों चेंज हुए, उसके अलावा थोड़ा व्हील का थोड़ा इशू था, स्पोक वगैरह टाइट किया उन लोगों ने, बाकी पॉलिशिंग वगैरह, चैन लूप, बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी अभी हम रेडी टू गो, निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन सर्विसिंग अच्छी हुई है। चलो बाय, यहाँ पे ब्लॉक को करते हैं अपने एंड। Bye-bye.